Hello guys, welcome back to my channel English with NK Prajapat. Today in this video we are going to learn difference between wedding and marriage. ये दोनों ही जो word हैं वो हमें ये confuse करते हैं कि wedding जो word हैं वो कहाँ पर use करते हैं, marriage कहाँ पर use करते हैं, क्या इन दोनों का use कर सकते हैं कहीं पर भी, क्या मैरिज कहें तो भी सही है या वेडिंग कहें तो भी सही है क्या, इन सब बातों को हम जानेंगे। एक और बात, आप जब किसी को उसकी शादी की सालगिरह पर विश करते हो तो क्या आप हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलते हो या हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलते हो, दोनों ही सही हैं या दोनों में से एक सही है, ये सब बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन वेडिंग एंड मैरिज। एट फर्स्ट बोथ वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। दोनों ही जो वर्ड हैं उन दोनों का जो मीनिंग है वो होता है शादी या विवाह। ओके, एट फर्स्ट वेडिंग। सबसे पहले हम वेडिंग के बारे में जानते हैं। एज ए नाउन, यह एक नाउन है। कैसा नाउन है? जेरेंडियल नाउन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला नाउन है, जेरेंडियल नाउन। ओके, मेड अप ऑफ द वर्ब वेड, जो वेड क्रिया से बना हुआ है। वेड का अर्थ क्या होता है? विवाह करना, वर्ब। उसी वर्ब से ये वेडिंग नाउन बना हुआ है। वेडिंग इज द सेरेमनी ऑफ गेटिंग मैरिड। वेडिंग एक ऐसा समारोह है जब विवाह होता है। मींस क्या अर्थ हुआ? कि जब निश्चित किसी फिक्स डेट पर किसी का विवाह समारोह होता है तो वो उस शादी के लिए हम वेडिंग वर्ड यूज करेंगे। कौन सा? वेडिंग। अ पर्टिकुलर डे, एक विशेष दिन, जो एक ही दिन जिस दिन सेरेमनी होती है, शादी समारोह होता है, उसी दिन के लिए हम वेडिंग नाउन यूज करेंगे। ओके, आई हैव बीन इनवाइटेड टू हर वेडिंग, मुझे उसकी शादी में इनवाइट किया गया है। यहां पर आप मैरिज लिखोगे तो वो रॉन्ग होगा, ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनवाइट किसी पर्टिकुलर डे पर किया गया है, किसी विशेष दिन जिस दिन समारोह है, सेरेमनी है, उस दिन इनवाइट किया गया है। ठीक है, एक और मीनिंग, द डेट ऑफ वेडिंग टुक प्लेस, वह तारीख जब वेडिंग टुक प्लेस, विवाह होता है, यानी विवाह होने की तारीख के लिए या उस दिन को हम वेडिंग कहेंगे, नॉट मैरिज। तो मैंने पूछा था क्या आप किसी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलते हो या हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, तो हमें वहाँ पर हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलना है, मैरिज नहीं बोलना है, क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी, सेकंड, थर्ड, जो भी हो, तो वो जो एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट करते हैं तो उसी दिन की करते हैं जब उन्होंने शादी की थी, उस दिन के याद में वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी दिन के लिए, एक पर्टिकुलर डे के लिए हम क्या बोलेंगे? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ओके, नेक्स्ट मैरिज, विवाह और शादी एज ए नाउन, ये भी एक नाउन है। मेड अप ऑफ द वर्ब मैरी, जो कौन सी वर्ब से बना हुआ है? मैरी, और इसका भी अर्थ क्या होता है? विवाह करना या शादी करना। मैरिज इज ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल। विवाह, ये मैरिज जो नाउन, दोनों का मीनिंग तो मैंने बताया था विवाह ही होता है, लेकिन जो मैरिज कब यूज करेंगे? जब उस विवाह का इवेंट होने के बाद जो लाइफ होती है किन के बीच में? टू इंडिविजुअल, टू पर्सन्स के बीच में, यानी जो कपल होते हैं, जो वेडिंग इवेंट हो जाती है, शादी हो जाती है, उनके बाद जो उनकी लाइफ होती है वो मैरिज लाइफ होती है, उनके लिए उस लाइफ के लिए मैरिज वर्ड यूज करना है। तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लंबे समय की रिलेशनशिप जो होती है,
संबंध होता है दो पर्संस के बीच में, एक कपल के बीच में, तो उसके लिए मैरिज यूज करना है। मैरिज इज ए इंटेंडेड टू लास्ट अ लाइफ टाइम। मैरिड जो मैरिज है वो उसका अर्थ होता है लाइफ टाइम, जो एक टर्म चलता रहता, लास्ट यानी चलना, तो उसके लिए यूज किया जाता है। एस दे एंजॉयड अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिज, उन्होंने लॉन्ग और हैप्पी मैरिज का एंजॉय किया। अब लॉन्ग और हैप्पी मैरिज का एंजॉय किया यानी उनकी जो मैरिड लाइफ थी, विवाहित जीवन था, उन्होंने उनमें एंजॉय किया। तो अब एक दिन तो एंजॉय नहीं किया, तो जीवन भर, तो उनका वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ। आई हैव बीन मैरिड फॉर 5 years, मेरा विवाह हुए 5 साल हुए हैं। ठीक है, तो 5 साल से वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो वहां पर मैरी वर्ब से बना हुआ मैरिज और मैरी वर्ब यूज की जाती है या मैरिज नाउन यूज किया जाता है। जैसे हैप्पी मैरिड लाइफ किसी को कहते हैं, जैसे विवाह हो गया उस दिन तो वेडिंग कहेंगे हम, और विवाह के बाद में जब हम विश करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ, तुम्हारा वैवाहिक जीवन खुश हो। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि अ पर्टिकुलर डे व्हेन द सेरेमनी टुक प्लेस, एक विशेष दिन जब वेडिंग सेरेमनी टुक प्लेस, विवाह समारोह होता है, तो उनके लिए वेडिंग नाउन यूज करें, और जब वेडिंग सेरेमनी के बाद में जो लाइफ होती है उस लाइफ के लिए मैरिज नाउन का यूज करें। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।